आपेश सिंह चौटाला सत्य है, उन्होंने जो एरिया में काम किए हैं वो किसी से छाने नहीं है, जो बात वो कहते हैं वो करते हैं। हम मेरा गांव रायपुर है, हमारे गांव के अंदर 11 किसानों के सरसों का मामला था, जिसकी इसी मंडी में हमने सरसों बेची थी, उसकी टोकन कणक के कट गए थे, बेची सरसों थी, जो हमने चंडीगढ़ सारे पवन के पास भी गए थे, पवन के पास जाकर के उनको कहा, वो कहा मैं सीएम से बात करूंगा, वो एक सिरसा के मार्केट कमेटी के जो बैठा हुआ है अधिकारी उससे बात नहीं कर सकता, वो सीएम से क्या बात करेगा। लोगों को दो चार बार गए हमारे गांव के, उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। पीछे अभय सिंह चौटाला का हमारे गाँव के दौरा था, उनको जब मामला रखा गया तो उन्होंने कहा आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने सरसों दिया है, मुझे दिया बिल्कुल जी, तो मैं इनके जबाड़े में हाथ डाल करके आपके पैसे दिलवा दूंगा। आज वो 10 दिन के बाद सभी किसानों के पैसे आ गए हैं, पैसे आ गए, हाँ जी, खाते में पैसे आ गए हैं किसानों के। अभय सिंह चौटाला एक सत्य है, जो वो कहता है वो करता है, उन्होंने जो कुछ कहा है वो पूरा किया है वादा। आप जननायक जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका यहाँ पर कोई वो नहीं है, सभी लोग अभय सिंह से जुड़े हुए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए हैं, जो भरत सिंह और पवन की बात कर रहे हैं ये कहीं मुकाबले में नहीं है।